अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है ओवरऑल, और चैप्टर नंबर 1 आज हम सेकंड ईयर से करने जा रहे हैं, जो कि होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस जो वर्ड है इसका मतलब है रेगुलेशन इन बॉडी। रेगुलेशन इन बॉडी तीन टाइप की होती है। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब वाटर की कंसनट्रेशन के अंदर उसकी रेगुलेशन, उसकी चेंजिंग। एक्सक्रीशन यानी बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालना। और थर्मोरेगुलेशन यानी टेम्परेचर को, इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को और बॉडी के टेम्परेचर को सिंक्रोनाइज करके बॉडी के लिए जो भी सूटेबल टेम्परेचर होता है उस पर रखना। तो ये तीन सब्जेक्ट्स जो है वो हम होम्योस्टेसिस के अंडर में पढ़ते हैं। यही तीन टॉपिक्स जो है वो हम एनिमल्स में भी पढ़ेंगे और यही तीन टॉपिक्स हम प्लांट्स में भी पढ़ेंगे। तो बेटा आज की जो वीडियो है, आज का जो लेक्चर है, इसमें ज़्यादातर जो बॉटनी का सेक्शन है वो आपके लिए सारा का सारा रीडिंग टॉपिक के तौर पर है। रीडिंग टॉपिक में क्या क्या आ जाता है मैं आपको बता देता हूँ। प्लाज्मोलाइसिस, डी प्लाज्मोलाइसिस, वाटर पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, टाइप्स ऑफ प्लांट्स इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स यानी ज़ीरोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, ये दो तीन टाइप के प्लांट्स होते हैं, मीज़ोफाइट्स, ये तीन टाइप के प्लांट्स होते हैं ये। और एक चौथी टाइप भी होती है इनकी, हेलोफाइट्स। उनकी कंडीशंस अलग अलग होती हैं, अलग अलग इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं और अलग अलग उनके अंदर स्पेशल फिनोमेना पाए जाते हैं। ख़ास तौर पर हेलोफाइट को आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये चीज़ हेलोफाइट और ज़ीरोफाइट्स ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसे हैं। और उसके बाद जो है वो अडेप्टेशंस इन प्लांट्स, अडेप्टेशन प्लांट्स भी जो है वो हेलोफाइट और ज़ीरोफाइट्स के अंदर ही आ जाता है, इसी टॉपिक के अंदर ही। ये जो बॉटनी का सेक्शन है उसमें से आपको रीड करना है। उसके बाद रिस्पांस ऑफ प्लांट्स अगेंस्ट एनवायरमेंटल स्ट्रेस, डिफरेंट प्लांट्स हैं वो किस तरह से एनवायरमेंटल स्ट्रेस के अगेंस्ट रिस्पांस करते हैं, कोल्ड कंडीशन के अगेंस्ट किस तरह से रिस्पांस करते हैं, हॉट वेदर के अगेंस्ट किस तरह से रिस्पांस करते हैं। ये इनमें से कुछ चीज़ें आप लोग जो है वो वक्त के साथ साथ पढ़ते रहते हैं, जैसे कि ट्रांसपायरेशन में हमने कुछ चीज़ें पढ़ ली थी कि ट्रांसपायरेशन में वाटर का लॉस वगैरह किस तरह से मैनेज होता है। तो हर चैप्टर के अंदर इस तरह की चीज़ें होती हैं कि प्लांट्स किस तरह से बिहेव करते हैं स्ट्रेस के मुकाबले में, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल तमाम चीज़ों की बात की गई है कि डिफरेंट प्लांट्स का क्या बिहेवियर होता है। तो ये तमाम चीज़ें अपने घर से कर लेनी है, इजीली इंशाल्लाह हो जाएंगी। फिर जो हमारा जूलॉजी का सेक्शन है उसमें भी यही ऑस्मो रेगुलेशन है डिफरेंट एनिमल्स के अंदर, उसके बाद एक्सक्रीशन का प्रोसेस है, उसके बाद थर्मो रेगुलेशन है, ठीक है। यही तीन चीज़ें जो है वो एनिमल्स के अंदर भी इसी तरह से पाई जाती हैं। और इसके साथ साथ ये जो बताया है आपको बॉटनी का पोर्शन, ये तमाम बेसिक चीज़ें आपकी, इसके साथ साथ ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन वगैरह इनकी भी डेफिनेशन आपने करनी है, ये आपको बहुत हेल्प करेंगी इस सेंस में। अच्छा जी, तो प्लांट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या चीज़ें प्लांट्स के अंदर इंक्लूड होती हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना टॉपिक एक्सक्रीशन एनिमल्स से। एक्सक्रीशन बेसिकली क्या है, ये जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट हैं बॉडी के उनको बॉडी से रिमूव करना। और बॉडी की जो सबसे बड़ी मेटाबॉलिक वेस्ट है वो है अमोनिया। अमोनिया किस वजह से वजूद में आती है बॉडी के अंदर, किस वजह से प्रोड्यूस होती है, जो हम प्रोटीन्स अपनी ग़िज़ा में ले रहे होते हैं, अपनी डाइट के अंदर जो प्रोटीन ले रहे होते हैं, या कोई भी एनिमल अपनी डाइट के अंदर जो भी प्रोटीन ले रहा है, वो जो थोड़ा सा एक्सेस प्रोटीन होता है उसमें से, या जो प्रोटीन्स अपने बॉडी के होते हैं उनकी ब्रेक डाउन चल रही होती है और उससे एनर्जी बन रही होती है, तो उसमें से थोड़ा सा नाइट्रोजनस ग्रुप निकलता है, नाइट्रोजनस कंपाउंड का, या अमाइड ग्रुप निकलता है। ये अमाइड ग्रुप आपके सामने लिखा हुआ, इसको कहते हैं अमाइड ग्रुप। जब ये सिंपली किसी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के साथ अटैच हो तो उसको कहते हैं अमाइड ग्रुप, और जब किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस के साथ या किसी भी एसिड के साथ अटैच हो, ऑर्गेनिक एसिड की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसको कहते हैं अमाइनो ग्रुप, ठीक है। तो ये अमाइनो ग्रुप है, या जो अमाइड ग्रुप है NH2 जिसको हम कहते हैं, ये अमोनिया की ही फॉर्म है, या तो इसके साथ H अटैच हो जाए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना कि H की जगह CB अटैच हो सकता है, और कार्बन की टेंडेंसी होती है कि इसके चार बॉन्ड बन सकते हैं, और कार्बन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो तकरीबन सेम होती है, 0.2 के इनके दरमियान फ़र्क होता है। तो जो NH2 है ये है अमाइड, ठीक है। अब अगर इसके साथ एक H लगा दूँ तो ये बन जाएगा अमोनिया गैस NH3। अगर मैं यहाँ पर कोई R लगा दूँ तो ये बन जाएगा अमीन, ठीक है। ये भी एक क्या नाम है कार कार सॉरी
अमाइन की जो है वो एक डेरिवेटिव बनता है, ठीक है। अब इसी तरह से इसके साथ जो है वो एक यूरिया बनता है। यूरिया का क्या फार्मूला है? यूरिया का फार्मूला है सी डबल बॉन्ड ओ और दोनों साइड पर NH2। यह है यूरिया का फार्मूला। अभी जो अमाइनो ग्रुप है, ये अमाइनो ग्रुप मैमल्स के अंदर इस तरह से यूरिया की फॉर्म में एक्सक्रीट होता है। अच्छा, फिशेस के अंदर क्या होता है कि फिशेस के अंदर ये यही अमाइनो ग्रुप जो निकल रहा होता है ये अमोनिया की फॉर्म में, ये अमोनिया की फॉर्म में, अगर यहाँ पे एच लगा दें आर की जगह तो ये इस फॉर्म में रिलीज़ हो रहा होता है बॉडी से, बॉडी का मेटाबॉलिक वेस्ट होता है। और जब बात करते हैं बर्ड्स की तो बर्ड्स में यूरिक एसिड की फॉर्म में रिलीज़ हो रहा होता है। अच्छा, इसके पीछे एक वजह है यूरिक एसिड की फॉर्म में रिलीज़ होने की और अमोनिया की फॉर्म में, और जो यूरिया यूरिक एसिड और अमोनिया तीन फॉर्म्स हमारे पास, इनमें जो रिलीज़ हो रहा है ये मेटाबॉलिक वेस्ट या अमाइनो ग्रुप, इसकी भी कुछ वजूहात हैं। वजूहात क्या हैं कि फिशेस का जो मीडियम है वो है वाटर। वाटर के अंदर जब फिशेस रहती हैं तो इनको अपना मेटाबॉलिक वेस्ट स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है बॉडी के अंदर। जब स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है तो इनको इसके लिए एनर्जी भी नहीं चाहिए कि वो उसको कन्वर्ट करें एक सॉल्यूबल चीज़ को लेस सॉल्यूबल चीज़ के अंदर और फिर उसको बॉडी से सीक्रेट करने, क्योंकि उनका मीडियम ही वाटर है। तो वो वाटर के अंदर इस अमोनिया को डायरेक्टली डिसॉल्व हो जाता है, वाटर के अंदर अमोनिया गैस और हाईली सॉल्यूबल है तो इसको डिसॉल्व करके डायरेक्टली एक्सक्रीट कर देती हैं, और ये जो यूरिन के साथ अपना पास कर देती हैं। अच्छा, जो यूरिन पास करती हैं ये बहुत डायल्यूट सा यूरिन होता है, कंसंट्रेशन इसमें बहुत कम होती है। कुछ फिशेज़ में होती है, वो हम ऑस्मो रेगुलेशन के जो टॉपिक है उसके अंदर पढ़ लेंगे, लेकिन ये जो है वो यूरिन अपना बहुत इजीली पास कर देती हैं और उसके अंदर अमोनिया बहुत बड़ी तादाद में पाई जाती है। अमोनिया जो गैस है, या हम कह लें कि जब वाटर के अंदर डिसॉल्व होती है तो इसको ये इसके पार्ट्स जो डिसॉल्व हो जाते हैं वो तकरीबन 1:100 या 1:1000 का इसका रेशो बनता है, इतना ज़्यादा हाईली सॉल्यूबल है अमोनिया गैस वाटर के अंदर। तो इससे इसको ये है क्योंकि इसका मीडियम वाटर है तो ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस है अमोनिया, इसकी बॉडी का भी मीडियम वाटर है, इसके बाहर का भी मीडियम वाटर है। तो अमोनिया है ये इसकी बॉडी के अंदर इतनी देर तक स्टोर नहीं रहती, ये वाटर में डिसॉल्व होके यूरिन के साथ साथ इजीली पास आउट होती रहती है। तो इसको ज़रूरत नहीं है कि ये इसको लेस सॉल्यूबल चीज़ के अंदर कन्वर्ट करे या ये अमोनिया इसकी ऑर्गन्स को नुकसान पहुँचाए, क्योंकि एक हार्मफुल सब्सटेंस है तो बॉडी को नुकसान भी पहुँचा सकता है। अब आ जाइए मैमल्स के अंदर। तो मैमल्स के अंदर ये जो अमोनिया है, क्योंकि मैमल्स एक्वेटिक नहीं है, टेरेस्ट्रियल होते हैं ज़्यादातर, तो उनमें ये कैपेबिलिटी नहीं होती कि हर वक्त उनके लिए वाटर अवेलेबल हो या वाटर की कमी को हर वक्त पूरा कर सकें। फिशेज़ तो वाटर के अंदर होती हैं, वहीं से अपनी वाटर की कमी भी पूरी कर सकती हैं। वाटर का इनटेक उनका ज़्यादा हो सकता है तो एक्सक्रीशन भी उनकी ज़्यादा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उन्हें। हालांकि जबकि मैमल्स जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं वो अगर इस तरह से करते हैं, अमोनिया को डायरेक्ट एक्सक्रीट करना शुरू करते हैं अपनी बॉडी से, तो एक तो ये अमोनिया पूरी तरह से एक्सक्रीट नहीं होगी, निकलेगी नहीं बॉडी से, क्योंकि ये वाटर में बहुत ज़्यादा हाईली सॉल्युबल है, हर जगह ये ऑर्गन्स के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगी। फिर अगर पेनिट्रेट करना भी चाहें तो डिहाइड्रेशन बहुत हो जाएगी। तो इस डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए या इस अमोनिया गैस को या टॉक्सिक सब्सटेंसेस को बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करने से रोकने के लिए बॉडी का कौन सा पार्ट? लिवर का पार्ट। लिवर जो हमारी प्रोटीन फैक्ट्री है या हम कह लेते हैं मेटाबॉलिक फैक्ट्री है, वो इस अमोनिया को यूरिया के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। लिवर के सेल्स इसको अमोनिया को यूरिया के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ये रहा यूरिया का फार्मूला। अब यूरिया क्या है? यूरिया एक सॉल्ट लाइक सब्सटेंस है। अगर इसका आप टेक्सचर की बात करें तो सॉल्ट लाइक सब्सटेंस है, जैसा कि आपके पास नमक होता है, फिटकरी होती है, इस टाइप का सॉल्ट होता है। और वाटर में इतना जल्दी सॉल्यूबल नहीं है, मतलब इतना रेडली सॉल्यूबल नहीं है, थोड़ी देर में ये वाटर में जाकर डिसॉल्व होता है। तो इससे हमें ये फ़ायदा मिल जाता है यूरिया से कि यूरिया वाटर में कम डिसॉल्व होता है। तो देखें, कम डिसॉल्व होगा तो इसका इम्पैक्ट बुरा होना चाहिए, लेकिन इसका इम्पैक्ट बुरा क्यों नहीं होता कि वाटर की थोड़ी सी क्वांटिटी के अंदर भी ये डिसॉल्व हो सकता है।
ठीक है। अमोनिया की अगर बात करते हैं तो अमोनिया की थोड़ी सी क्वांटिटी भी अगर दें हम तो बहुत सारे वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाएगी, पूरी तरह से इधर उधर पूरी बॉडी के अंदर फैल जाएगी, जबकि यूरिया बहुत मखसूस हिस्से के अंदर ही सॉल्युबल रहता है और इससे जो है वो वाटर को अलग करना भी पॉसिबल होता है बॉडी के लिए। तो ये यूरिया मैमल्स के अंदर एज अ मेटाबॉलिक वेस्ट काम कर रहा होता है। उसके बाद आ जाते हैं यूरिक एसिड पर। यूरिक एसिड क्या चीज़ है? यूरिक एसिड इससे भी बड़ा मॉलिक्यूल है, जैसे हमने देखा ना कि अमोनिया का छोटा सा मॉलिक्यूल है, उसके आगे यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप लग गया और लग गया है और दोनों साइड पर अमाइड ग्रुप लग गया है, तो ये कहलाता है यूरिया। अब यूरिया से एक बड़ा मॉलिक्यूल है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड अगर इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो यूरिया से भी लेस सॉल्युबल है। तो ये जो फिनोमेना पाया जाता है रेप्टाइल्स के अंदर पाया जाता है और बर्ड्स के अंदर पाया जाता है। अब मैमल्स को फिर भी वाटर की अवेलेबिलिटी हो जाती है, ज़्यादातर जो मैमल्स हैं वाटर की अवेलेबिलिटी उनको हो जाती है, लेकिन बर्ड्स ख़ास तौर पे वो बर्ड्स जो बहुत ऊंचा ऊंचा उड़ रहे होते हैं, लाइक कुछ फैल्कन्स होते हैं जो बहुत दूर तक के जिन्हें ट्रैवल करना होता है, तो उनको वाटर की अवेलेबिलिटी इस तरह से नहीं होती। हर वक्त वो वाटर के लिए जो है वो नीचे ज़मीन पर नहीं आ सकते। और जो दूसरे भी मैमल्स हैं, दूसरे भी बर्ड्स हैं और रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स क्योंकि सूखे इलाके में रहते हैं वहाँ पे पानी की वैसे ही कमी होती है, ऑलरेडी इतनी कमी होती है, तो उनकी बॉडी को वाटर रिटेन ज़्यादा रखना होता है बनस्पत ये कि वाटर को एक्सक्रीट करें, ठीक है। तो वाटर की एक्सक्रीशन से ज़्यादा वाटर को रिटेन रखना उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और बर्ड्स का मेटाबॉलिज्म भी ज़्यादा होता है, उनका जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो ओवरऑल टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस होता है, मैमल्स का 36 टू 37 डिग्री के बीच में रहता है, ठीक है। तो वहाँ पर प्रोडक्शन होती है यूरिक एसिड की। यूरिक एसिड जब वाटर के साथ सॉल्युबल होता है या इसको डिसॉल्व करना चाहें तो ये अमोनिया बहुत ज़्यादा वाटर को रिक्वायर करती है, यूरिया उससे कम वाटर को रिक्वायर करता है, और यूरिक एसिड जो है वो थोड़े से वाटर को भी यूटिलाइज़ करते हुए एक पेस्ट लाइक सब्सटेंस इजीली बना देता है। ये बॉडी के अंदर पेनिट्रेट नहीं करता, इसका लेस सॉल्युबल होने का मकसद ये है कि बॉडी के अंदर पेनिट्रेट नहीं करता। बॉडी के अंदर पेनिट्रेशन कम होगी तो कम वाटर के थ्रू भी इसको एक्सक्रीट किया जा सकेगा। तो यही फिनोमेना बर्ड्स के अंदर होता है और रेप्टाइल्स के अंदर होता है, तो इसके रीजंस यही है। फिर आ जाते हैं जो एवोल्यूशन की बात होती है, एक एक करके तमाम हम फिजियोलॉजी वाले चैप्टर्स के अंदर तमाम जितने भी एनिमल्स हैं उनको डिस्कस कर रहे होते हैं कि उनमें ये सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है। तो सबसे पहले प्लेनेरिया का सिस्टम डिस्कस कर लें, हाइड्रा को डिस्कस कर लेते हैं। हाइड्रा के अंदर जो उसकी गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कैविटी होती है सेंटर वाली, वहाँ से डायरेक्टली एक्सक्रीशन का प्रोसेस हो रहा होता है, तो वहाँ पर कोई ऑर्गन सिस्टम्स की ज़रूरत नहीं होती, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस के ज़रिए से ही वो सब कुछ हो जाता है वहाँ पे, क्योंकि वो भी जो है वो एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक एनिमल्स हैं। फिर प्लेनेरिया के अंदर क्या होता है, प्लेनेरिया के अंदर फ्लेम सेल्स होते हैं। फ्लेम सेल्स हम इसको इस वजह से नहीं कहते कि इनके अंदर आग लगी होती है, ये जो है ना जो सेल्स होते हैं उनकी टिप पर कुछ फिलामेंट्स लगी होती हैं, वो फिलामेंट्स इस तरह से मूव कर रही होती हैं, वो उनको मूव करने का स्टाइल ऐसा होता है, ऐसा लगता है जैसे वहाँ पर कोई आग जल रही है, तो इस वजह से उनको फ्लेम सेल्स कहा जाता है। अच्छा, फ्लेम सेल्स इनका हिस्सा किसका हिस्सा होते हैं, प्रोटोनेफ्रीडिया का। प्रोटोनेफ्रीडिया एक पूरे ऑर्गन सिस्टम का नाम है इसके, और जो सेल्स वर्क कर रहे हैं वो कहलाते हैं फ्लेम सेल्स। और ये देखिए फ्लेम सेल का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर एक दिया हुआ भी है कि ये सेल है और ये इसकी एंडिंग है, यहाँ से एक तरफ से एंडिंग है, एक तरफ से इसकी एंडिंग नहीं है। फिर यहाँ पर ये सीलिया निकल रहे हैं और इन्हीं सीलिया की जो मूवमेंट होती है इसी की वजह से इसको फ्लेम सेल्स कहते हैं। और ये जो सीलिया की मूवमेंट है ये मूव इस वजह से कर रहा होता है कि जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट है ये इधर उधर से कलेक्ट कर रहा होता है। तो इस तरह से जो प्लेनेरिया है इसमें ये एक्सक्रीशन का प्रोसेस चल रहा होता है। एवोल्यूशन के अंदर अगर हम देखें तो ऑर्गन सिस्टम की डेवलपमेंट यहीं से स्टार्ट होती है, प्लेनेरिया से ही स्टार्ट होती है। इसी वजह से आपने डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर पढ़ा होगा कि हाइड्रा के अंदर किसी किस्म की ऑर्गन्स की डेवलपमेंट नहीं होती। हम आपको जस्ट ये बता देते हैं कि उसके अंदर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कैविटी होती है, सेंट्रल कैविटी होती है, वहाँ से जो है वो डायरेक्टली डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के थ्रू सारे प्रोसेस चल रहे होते हैं, जबकि ऑर्गन सिस्टम की डेवलपमेंट यहाँ से होती है। यहीं से ही डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है, यहीं से ही नर्वस सिस्टम स्टार्ट होता है, और यहीं से ही एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारा स्टार्ट होता है।